तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं योर मैन और आज हम बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि अमित भड़ाना जो अपना लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए थे उसमें काफी हेट मिल रहा था एंड डिसलाइक्स मिल रहा था उनको। बट आज वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू बताया कि उनके वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। तो चलिए देख लेते उन्होंने क्या लिखा। तीन तिगाड़ा गड़बड़ घोटाला अब राजू परसेंटेज, मेरी तीन वीडियो सेम कंपनी ने टेक डाउन की है जस्ट उसका म्यूजिक यूज करने पर। अर्निंग्स ले जाते थे पहले, मैंने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। चलो कोई नहीं, इनकी प्रॉपर्टी है, पैसे लेने दो इनको, लेकिन ये क्या माफिया चलाए रखा है। एंड ऊपर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें लिखा हुआ है दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम बाय डैश पब्लिशिंग। नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने लिखा वीडियो अच्छी हो या बुरी हो लेकिन होती वो बच्चे की तरह है, हमेशा दिल के करीब, उसमें एक मेरा नहीं पूरा क्रू की मेहनत होती है। एक वीडियो का प्रोसेस बनने से एडिट का 15 दिन का होता है। अब मैं इनसे बात करूंगा कि ये क्यों किया। अमित हमारा ये प्रमोट कर दो वो प्रमोट कर दो, हम कर देंगे वीडियो वापस, बिना ऑथेंटिसिटी के सब कर लो। फिर उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक आने वाला ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाया। एंड फाइनल स्टोरी में उन्होंने कहा थोड़ा गैप लेने जा रहा हूँ सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए, अपना ख्याल रखना। सो अगर अब हम लोग अमित भड़ाना का वीडियो खोलेंगे तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा दिस वीडियो इज अनअवेलेबल। आई डोंट नो इसमें ये क्यों नहीं लिखा है दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू अ कॉपीराइट क्लेम बाय द कंपनी। बट एनीवेज जो भी उनको स्ट्राइक दिया आई होप वो स्ट्राइक हटा ले एंड उनका वीडियो वापस से आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डायनेमो गेमिंग के बारे में। तो डायनेमो गेमिंग ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिए कि वो 3 महीना आप स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे अपने चैनल में। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे हे गाइज इट्स टाइम फॉर अ लिटिल हार्ट टू हार्ट टॉक, सो आई हैव बीन स्ट्रीमिंग एंड वर्किंग ऑन माय चैनल सिंस द लास्ट 3-4 इयर्स एंड नाउ फाइनली आई एम एबल टू डू दिस फुल टाइम फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। इट्स सो इनक्रेडिबल टू सी हाउ मेनी ऑफ यू टेक द टाइम ऑफ योर लाइफ टू वॉच माय वीडियोस। एज मेनी ऑफ यू माइट बी अवेयर आई हैव सम स्ट्राइक्स ऑन माय चैनल ड्यू टू व्हिच लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन हैज बीन डिसेबल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मी एंड द टीम हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू रिमूव द स्ट्राइक। ऑनेस्टली इट्स अ लिटिल डाउन हार्टिंग टू रियलाइज दैट आई मे नॉट बी एबल टू स्ट्रीम फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो जैसा कि आपने देखा डायनेमो ने लिखा कि शायद वो अब 3 महीना स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। अब जब स्ट्राइक रिमूव होगा ऑटोमेटिकली 3 महीना के बाद तभी वो स्ट्रीम कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रगति वर्मा ने कंप्लीट कर चुकी 100K सब्सक्राइबर्स, देन जुन्नू की टेक ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन लाइव ज्ञान ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली वासिफ को मिल चुका अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले KSI वर्सेस डेजी के बारे में। तो अब ये ड्रामा बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में जा चुका है। कल डेजी अपने चैनल में एक 45 मिनट लंबा वीडियो अपलोड किए एंड इट वाज अ वेरी वेरी सीरियस वीडियो। इस वीडियो का टाइटल था सिर्फ बाय। तो डेजी इस वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर कर दिए कि उनके भाई और उनमें क्यों ड्रामा हुआ इतना। इस वीडियो के थ्रू वो प्रूव कर दिए कि KSI उनके भाई जो है वो उनको बहुत बुली करते थे एकदम स्टार्टिंग से, जब उनका यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया था 2012 से। उन्होंने इस वीडियो में बहुत सारे इंस्टेंसेस बताए जिसमें KSI उनके भाई उनको मेंटली एंड फिजिकली बुली किए एंड ऑल्सो KSI कैसे चाहते हैं कि डेजी कभी भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ना पहुंचे। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूं इस 45 मिनट्स वीडियो के बारे में। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली अगर आप KSI या डेजी फैन हैं। आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन सही है एंड कौन गलत। इस वीडियो के बाद KSI अपने मेन चैनल में करीब 25,000 सब्सक्राइबर्स लूज किए एंड अपने सेकंड चैनल में 15,000 सब्सक्राइबर्स लूज किए एंड डेजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर्स गेन किया एंड ही गेन्ड ओवर 30,000 सब्सक्राइबर्स। इस चीज के ऊपर KSI रिएक्ट भी किए, उन्होंने अपने ट्विटर में ये मीम पोस्ट किया। इस मीम को देख के उनके फैंस भी गुस्सा हो गए उनसे। लिटरली डेजी जो पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे थे अपने वीडियो में KSI यहाँ प्रूफ कर दिए कि KSI कभी डेजी को सीरियसली लेते ही नहीं है, खाली उनका मजाक उड़ाते हैं एंड उनका बुली करते हैं। तो ये पॉइंट इससे प्रूफ हो गया। सो मैं डेजी का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जाके वहां से देख लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जेम्स चार्ल्स के बारे में। तो पूरा जेफरी स्टार टाटी एंड जेम्स चार्ल्स ड्रामा से पहले वो एक टूर अनाउंस किए थे जहां पे वो अपने कंट्री के सिटीज में जाके अपने फैंस के साथ मीटअप करेंगे एंड टूर करेंगे। बट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू अनाउंस कर दिया कि वो अपने टूर को कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहा obviously as well a lot gone on in the past few weeks which has led many people including myself wondering what was going to happen to tour and after the last week of meetings and phone calls and trying to figure it out and talking to myself and my tour company and my friends and family we've officially come to the very, very tough decision that I am canceling the Sisters Tour.
उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि वो टूर के टिकट्स को रिफंड कर देंगे। तो चल दोस्तों आज के लिए बस मेरे पास इतना न्यूज़ है। तो आपका चवड़े चला हो तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना यार। आज का लाइक हम रखते हैं 28,500 लाइक्स। आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर तक तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज सबमिट करना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप मेरे को कोई भी न्यूज सबमिट कर सकते हो। एंड अगर आप वो पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले सबमिट करोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।